हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल ओएमके क्रिएशन। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इनपुट डिवाइस का थर्ड कंपोनेंट्स के ऊपर है। तो थर्ड कंपोनेंट्स था हम लोगों का जॉयस्टिक। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जॉयस्टिक। जैसा कि आप देख सकते हो, जॉयस्टिक इज आल्सो एम पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, विच इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। यानी कि जॉयस्टिक के उपयोग से हम लोग मूव कर सकते हैं कर्सर्स के पोजीशन को जो मॉनिटर स्क्रीन पर होते हैं। इट इज ए स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। यह एक छड़ी है जिसके निचले और ऊपरी दोनों छोरों पर एक गोलाकार गेंद होती है, यानी कि नीचे भी और ऊपर भी एक गेंद होता है जिसे लोअर और अपर बॉल कहते हैं। यानी कि दो गेंदें होती हैं जो एक नीचे होती है और एक ऊपर होती है। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव इन ए सॉकेट। जो निचली गेंद गोलाकार गेंद होती है एक सॉकेट में चलती है, वो एक सॉकेट होता है उसी में उसे हम लोग घुमा सकते हैं यानी कि चला सकते हैं। द जॉयस्टिक कैन बी मूव इन ऑल फोर डायरेक्शन। जॉयस्टिक को हम लोग चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। मैं एक बार और जॉयस्टिक के डिफिनेशन को दोहराता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, विच इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन ए मोनिटर स्क्रीन। जो कर्सर को मूव करता है मोनिटर स्क्रीन पर। इट इज ए स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बॉल इट एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। यह एक छड़ी है जिसके निचले और ऊपरी दोनों छोरों पर एक गोलाकार गेंद होती है, जो ऊपर होती है उसे लोअर, जो ऊपर होती है हम लोग उसे हम लोग अपर कहते हैं, और जो नीचे होती है उसे हम लोग लोअर कहते हैं। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव इन ए सॉकेट। जो निचली स्फेरिकल बॉल होती है यानी कि गेंद होती है वो एक सॉकेट में घूमती है, मतलब उसे एक सॉकेट होता है और उसी में लगी होती है, उसी को हम लोग घुमाते हैं। द जॉयस्टिक कैन बी मूव ऑल फोर डायरेक्शन। जॉयस्टिक को हम लोग चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। आइए जॉयस्टिक की और इन्फॉर्मेशन देखी जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक जॉयस्टिक यहाँ भी है और एक जॉयस्टिक का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें सारे एक एक पार्ट्स को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो पहले मैं डिफिनेशन क्लियर कर देता हूँ उसको, उसके बाद मैं ये जो डायग्राम है इसे एक्सप्लेन करूँगा। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ माउस। जो जॉयस्टिक का फंक्शन होता है वो माउस की तरह ही सेम होता है। इट इज मेनली यूज इन कंप्यूटर एडिंग डिजाइन, यानी कि जॉयस्टिक जो होता है उसका उपयोग CAD के लिए होता है, यानी कि कंप्यूटर एडिंग डिजाइनिंग के लिए होता है, यानी कंप्यूटर एड डिजाइनिंग के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, और कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। तो सीधी सी बात समझिए तो कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं और जॉयस्टिक गेम के लिए ही बनाया गया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि कंप्यूटर एड डिजाइनिंग, यानी कि कंप्यूटर के एड डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। एंड प्ले कंप्यूटर गेम्स, और कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। तो आइए मैं इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट ट्रिगर है और यहाँ पे राइट ट्रिगर है। लेफ्ट ट्रिगर जो होता है वो लेफ्ट हैंड के लिए होता है और राइट ट्रिगर जो होता है वो राइट हैंड के लिए होता है। इसी तरीके से इसमें एक ही बटन दो दो दिए गए हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। ये दोनों हाथों से इसे ऑपरेट किया जाता है। जो माउस होता है उसे वन हैंड से ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन जॉयस्टिक जो होता है वो दो हाथों से भी किया जा सकता है और एक हाथों से भी किया जा सकता है, लेकिन गेमिंग डिवाइस दोनों हाथों से कंट्रोल होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट बम्बर और राइट बम्बर, लेफ्ट स्टिक राइट स्टिक। जो मैंने बोला था कि जॉयस्टिक में एक बॉल होता है जिसे हम लोग चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन पैड यानी कि जिसे डी पैड भी कहते हैं, इसे हम लोग चारों दिशाओं में मूव कर सकते हैं।
तो सीधी सी बात है कि जॉयस्टिक एक गेमिंग प्ले करने के लिए एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। तो आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से अगर समझ पाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो अपने क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।